शहर को खूबसूरत बनाने के लिए हर 5 साल में जनता अपने नए जनप्रतिनिधि और महापौर का चुनाव करती है। इसके साथ ही प्रशासनिक तौर पर नगर निगम में नए नए अधिकारी और कर्मचारी नियुक्त किए जाते हैं ताकि शहर को स्वच्छ और खूबसूरत बनाया जा सके। लेकिन शहर की जो तस्वीर निकलकर सामने आ रही है उससे साफ जाहिर है कि ना तो प्रशासनिक अधिकारियों को शहर की चिंता है और ना ही जनता के चुने पार्षद प्रतिनिधियों को और ना ही उस महापौर को फिक्र है जिन्हें जनता ने निर्दलीय होने के बाद भी जीत का ताज पहनाया था। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस शहर को कचड़ा बनाने का जिम्मा कोई निजी कंपनी या प्रोडक्ट ने नहीं लिया है। खास बात यह है कि शहर को कचड़ा बनाने का जिम्मा इसी शहर के जागरूक जनप्रतिनिधियों ने उठा रखा है। मिशन चौक का ओवरब्रिज तो शहर को कचड़ा घर बनाने के लिए वरदान सिद्ध हो रहा है। इस ओवरब्रिज के जरिए जागरूक कर्मठ मृदुभाषी समाज से भी अपने अपने प्रचार में जुटे हुए हैं। कईयों के पोस्टर चिपके हैं तो कईयों ने वॉल पेंटिंग ही करवा दी है। आप खुद देखिए इन तस्वीरों को और तय कीजिए कि ये कैसे जागरूक लोग हैं जो अपने शहर को कचड़ा और अजायब घर बनाकर खुद को जनसेवक होने का दावा पेश कर रहे हैं। वहीं सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इसी रास्ते से तमाम प्रशासनिक अधिकारी और राजनेता से लेकर महापौर भी गुजरते हैं, लेकिन इन तमाम लोगों को ये गंदगी नज़र क्यों नहीं आती। जाहिर तौर पर सबका फोकस अपने अपने काम पर है। कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा काम कैसे निपटाया जाए, शहर तो जिस ढर्रे पर चल रहा है उसी पर चलता रहेगा। ये तो हमने महज मिशन चौक ब्रिज की तस्वीरें दिखाई हैं, बाकी शहर के तमाम हिस्सों सरकारी दीवारों के भी कमोबेश यही हालात हैं। अब आप शहर को देखिए और खुश होइए कि आप कटनी मुड़वारा के नागरिक हैं और ऐसे लोगों को अपना जनप्रतिनिधि चुनते हैं जो शहर को कचड़ा घर बनाने पर आमादा रहते हैं। PBC के लिए कटनी से हीरा विश्वकर्मा की रिपोर्ट। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरोक्रेट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9039011886 एवं 9770229999।